पिनिया माने भुना हुआ। उस ज़माने में जब जंगें होती थी, मुग़ल फ़ौजें होती थी, तो जो सवार होते थे वो अपनी जीन के नीचे सूखा हुआ गोश्त बांध लिया करते थे। वो अपने बढ़ रहे हैं कहीं, जब उनका पड़ाव हुआ तो उन्होंने अलाव लगाया, चावल चढ़ाए, गोश्त भुना हुआ उसमें डाल दिया, कुछ मसाले डाल दिए, और वो एक तरह की बिरयानी तैयार हो गई, क्योंकि वो बनी हुई होती थी। तो बिरयानी से ये बिरयानी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा सटल नहीं होती थी। यही बिरयानी ये मुगलाई जब अवध में आई, तो जो अवध के बावर्ची और खानसामा और नवाब बेगमात थी, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी, हर चीज़ जो थी बहुत ही नफासत के साथ होती थी। तो उन्होंने यहाँ के मसालों को कूटा, पीसा, छाना, फिर यखनी पुलाव उसको सटल बनाया, काफ़ी रिफाइन किया। तो पुलाव की खूबी यह है कि इसमें जो बोन मैरो डाला जाता है, इसमें चस होना चाहिए, चिपक होना चाहिए। लेकिन एक खूबी यह भी होना चाहिए कि अगर आप किसी चांदनी के ऊपर उसको छितरा दें तो चावल अलग अलग हो जाए, तो फरेरा भी हो और उसमें चस भी हो। तो इसमें यखनी बनाई जाती है, उसमें दूध और दही उबालाई का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यखनी का वो पुलाव होता है जो कि इट इज़ मोर रिफाइंड, मोर सटल एंड मोर डेलिकेट, मसाले इसमें कम होते हैं और बड़ा पेट को भी ये बांधता है, ताकतवर होता है, जायकेमंद होता है। जो अवध से जो ताल्लुक़ रखते हैं उसको वो पुलाव होते हैं, जैसे तहड़ी है, खिचड़ी है, बिरयानी है, अब अला अला तरह तरह के जो है नाम है, मतलब जो अवध से जो रिलेटिव है उसको पुलाव बोलते हैं, जो अखनी से ताल्लुक रखती है। ये सब दूध उबलाई से पकती है, दूध उबलाई से पकती है, राइस वगैरह होता है, मीट होता है, गोश्त बोलते हैं जिसको, चावल बोलते हैं इसको। 3-4 घंटे में ये पुलाव तैयार होता है, तब ये कहीं जाके पुलाव होता है तैयार। और कॉपर के बर्तन में पकाते हैं, सब बाकी मसाले वगैरह सब होते हैं वो पड़ते हैं। अब वो चाहे जड़ी बूटी समझ लीजिए, जो पुलाव में हमारे वहाँ दूध उबला ही पड़ता वो कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं मिलेगा डालते ही नहीं मिलेगा। जो मेरे वहाँ में बकरे के बोन्स वगैरह जो होती हैं, गुड्डी वगैरह, वो डाली जाती है इसमें, जिससे चस पैदा हो। आप यूँ हाथ धोएंगे, यूँ चपचपाएंगे। और ये समंदर है, जितना भी हम उतरेंगे उसकी कोई थाह नहीं मिलेगी। जो मुझे बता गए मेरे वालिद साहब, वही तरीके से काम करते चले आ रहे हैं। कॉपर के बर्तन में खाना पकाना, जो जितनी लागत होती है उतनी लागत डाली जाएगी इसके अंदर, उसी तरीके से अच्छा काम करें, नेक नीति से काम करें, अपने देश का नाम रोशन हो। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जो मतलब लोग तरसते हैं यहाँ की चीज़ ले जाने के लिए, अगर एक चाहे तहजीब हो, चाहे खान पान हो, चाहे तौर तरीके हों, तो इंतज़ार करते हैं लोग। ठोकराना भैया पे के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया और आज मैं हूँ लखनऊ में। मेरे साथ हैं मयंक पाजी और नन्नू पाजी। और मयंक पाजी, थोड़ा सा बताओ लखनऊ के बारे में। ये वो शहर है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। ये वो शहर है जहाँ मुद्दों तक आप इसमें रहते हैं और आपके जाने के बाद ये शहर आपके दिल में रहता है। तो ये है लखनऊ। क्या बात है। तो भाजी अपन आज तुम्हें लेके कितने आए हो? सानू असी अज आए हैं इदरीस दी बिरयानी ते बिरयानी खिलान नाले मटन कोरमा ते मटन स्ट्यू। क्या बात है जी, क्या बात है। मैंने सीख तो लिया तरीका खाने का हाथ से, पर गर्म बहुत है भाई। ओए होए 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 होए। सो हियर्स द फर्स्ट बाइट। ला बेटा मुशैब, ओ लाओ जो मसाले वगैरह लाओ। देखिए ये इसके अंदर सारे मसाले हैं। अब इसको चाहे जड़ी बूटी समझ लीजिए, जो खुदा का एक आशीर्वाद वरदान, आशीर्वाद तो इंसानों का होता है, वरदान ऊपर वालों का होता है। ये देखिए, ये सब 1 किलो बिरयानी पर 3 पाव दूध डालते हैं, 750 मिलीलीटर। ये सब मसाले वगैरह पड़े हुए हैं। लबड़ा झोल कहाँ है? देखिए शक्कर भी पड़ती है चाशनी के तौर पर, ये जायका और इसके बाद इसके मीट के इंजाम मारने के लिए अदरक लहसुन वगैरह जो उसके इंजाम मार, उसकी भुनाई
दही जो होता है इसकी स्मेल जो है मार, जिसको से जहन बोलते हैं। चावल उधर बन रहे हैं। जी हाँ, ये हो रहा है। ये अखनी बन रही है इसकी। अच्छा, होता है। जी हाँ, दूध से अखनी बनती है। क्या बात, ये इसका घी हो रहा है फिल्टर। अच्छा। उसको फाइन कर रहे हैं, जो इसमें लौंग इलायची जो डाली जाती है, जो है वो इसको गोश्त का घी है ना। हाँ, गोश्त का। इसको किनारे कर रहे हैं, इसका जो नीचे छोरवा होगा वो डाला जाएगा इसमें। क्या बात, क्योंकि इसलिए इसमें इलायची वगैरह पड़ी होती है, अदरक वगैरह, उसको जब छान लेंगे तो वो मुँह की जबान में नहीं आएगा, एकदम फ्रेश बिरयानी मिलेगी। लाई बेटे, रेड चिल्ली पड़ेगी इसमें, उसको भी छान के डालते हैं, क्योंकि उसमें बुरादा होता है, गहक के मुँह के अंदर मीठा तो लगे मगर जबान पर ही महसूस ना हो कि इसका छिलका है। गॉड गिफ्ट है मेरे वालिद साहब की ईमानदारी, जो मेहनत जो हम लोगों के आगे हो। कभी उन्होंने कहा कभी हांडी का पेट ना काटिए, हांडी के मतलब मुराद मतलब मेरी दो रोटी की खुराक, एक रोटी मत खाना, दो है तो दो ही खाना, अगर मैं तीन पाव दूध पड़ता है 50 ग्राम ना डालना, 100 ग्राम ना डालना, तीन ही पाव। लाइए बेटे, लाइए बेटे, देखिए भैया, ये इसका अर्क है, माजून समझ लीजिए, मतलब जुखाम के लिए बहुत मुफीद चीज है ये। देखिए नमक, कुदरत ने निज़ाम बनाया है हर चीज़ के लिए, मिर्चा है तो नमक है, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन, नमक, एक दूसरे को बांटने से इनको भी पता चले, नई जनरेशन ये भी सीखे, बांट दें, बढ़ जाएं, काम सीखें, ये आगे हम ना रहे तो ये रहेंगे, ये ना रहे तो कोई और रहेगा, तो ये नस्लें दर पीढ़ी काम सीखते जाएंगे, एक वजूद बनाएं। अब देखिए भैया, इधर इसमें ये डाला जाएगा, 5 किलो मियार के हिसाब से चावल पे पड़ेगा ये, इसको 5 किलो के हिसाब। जी हाँ, जी हाँ, ये इसमें जब्त किया गया, इसको अखनी तैयार इस तरीके से। जो आपने चखाया है ना जी, वो वाकई वरदान है ये। गला खुल गया जी। इसमें जो गुड्डियाँ वगैरह है ये कुबत के लिए, सेहत के लिए बहुत कारगर, बहुत मुफीद है। ये आपका पूरा तैयार हो गया भैया, ये पूरा तैयार हो गया आपका, ये तैयार है, ये अखनी तैयार हो गई। अब जो राइस पड़ा है वहाँ पर, वो राइस पड़ने के बाद अब इसमें जो है दम करा जाएगा। और उन्होंने एक चीज़ बोली है कि अगर आप खाएंगे तो आपका जो 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा, ये 5 के 5 इसमें लगने चाहिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जो 5 की 5 उंगलियां हैं वो लगनी चाहिए, तो तब जाके आपको हजम होगी। तो 5 उंगलियां लगा दी हैं जी, एंड इसकी जो गर्माहट है ना वो तंग करने वाली गर्माहट नहीं है, दिस इज़ लाइक अ वेरी सूदिंग हीट। अगर आप इसको टच करते हो, इट्स वेरी सूदिंग। ये है जी इनकी ग्रेवी, एंड ये स्पून से डालते हैं, खाएंगे हाथ से पर ये तो स्पून से डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है ग्रेवी हमने मटन के ऊपर ये ऐसे डाल दी, एंड दिस लुक्स ऑसम नाउ। बहुत ग्रेवी बहुत गर्म है, अब थोड़ा देख के खाना पड़ेगा, काफ़ी गर्म है यार। एंड हियर, मैंने सीख तो लिया है तरीका खाने का हाथ से, पर गर्म बहुत है भाई, ओए होए। सो हियर इज द फर्स्ट बाइट, ओए होए।
अगर ये इसको पुलाव बोल रहे हैं ना तो मुझे बिरयानी खानी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़िया। बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मैं सोच रहा था मैं एक बाइट लूँगा और बस कर जाऊँगा, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू फिनिश दिस एंटायर थिंग। बहुत टेस्टी यार, कोई तुम्हें लिखोया आप आगे मैं। मेरा पहली बार ही है कि मैं इदा खा रहा, नहीं तो ऑलवेज स्पून से खाया है आज तक, छोटे होते से बड़े होते थे। पर जो मज़ा दे ना वो कितने नहीं है। एक बहुत फेमस कहावत है लखनऊ में, कुछ खा के तबीयत खुश होना। तो तबीयत खुश वाली बिरयानी है ये। कोई आदमी अगर बीमार हो उसको अगर इदरीस साहब की बिरयानी खिला दी जाए वो भी खड़ा उठ के चलने लग जाएगा। 20 साल हो गए ये बिरयानी खाते हुए, जस्ट ऐसी बिरयानी कहीं नहीं मिलती, कभी भी कहीं भी जाके देख लो आप, कहीं हो लो ऐसी बिरयानी नहीं मिलेगी आपको। मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सेंटी हो रखा हूँ बिकॉज यार ऐसा खाना ना आपने हमें कैपेबल कर दिया, ये सब खाने का, ढूंढने का और एक्सप्लोर करने का आपने हमें ये एक आशीर्वाद बोल लो या एक यू हैव गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस फॉर यू एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दिस यार। ये आपने हमें इस काबिल कर दिया कि हम ये कहाँ पे आके, किस शहर में आके, यहाँ पे कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, हम लोगों से बात कर रहे हैं एंड ये बिरयानी खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार। और ये जो है इधर इन्होंने थोड़ा सा मटन कोरमा दिया है। वाओ। मटन कोरमा खाइए साथ में बिरयानी खाइए, बहुत बढ़िया।